स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पे। तो हम लोग इस वीडियो में जो देखेंगे वो क्लास 11वीं, ठीक है, क्लास 11th का जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनके लिए जो हिंदी कोर जिनका है, ठीक है, हिंदी कोर है उसके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। चैनल के ऊपर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की सख्त ज़रूरत हमें है। तो चलिए, प्रोजेक्ट रेल के तहत जो वीकली टेस्ट होने वाला है, वीकली टेस्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो में हम बताने वाले। तो वीडियो को आप देखिए लास्ट तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो के ऊपर कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं दिया हुआ यहाँ पे कहता है कि नमक का दरोगा पाठ के लेखक कौन है। तो आपके एक जो हिंदी कोर में है उसमें से एक चैप्टर का नाम है नमक का दरोगा, इसके पाठ के लेखक क्या कौन है। तो पाठ के लेखक है प्रेमचंद्र, ठीक है, प्रेमचंद। आगे दिया हुआ है, कहता है कि किस ईश्वर प्रदत्त वस्तु का व्यवहार करना निषेध हो गया है। तो किस ईश्वर प्रदत्त वस्तु का व्यवहार करना निषेध हो गया है, तो नमक का, ठीक है, नमक के अनुसार, ठीक है। चलिए आगे देखिए, दिया हुआ है क्वेश्चन दिया हुआ है कि बंसीधर के पिता की अगवानी के लिए दौड़े। तो बंसीधर के पिता जो है किसी अगवानी के लिए दौड़े। तो बताते चले आप लोगों को कि आलोपिदीन के लिए जो ऑप्शन नंबर गा में दिया हो गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आगे दिया हुआ है कि मियाँ नसरुद्दीन कितने किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। तो मियाँ नसरुद्दीन जो है वो 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। तो ऑप्शन घ आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, कहते हैं मियाँ नसरुद्दीन किस कला में प्रवीण थे। तो मियाँ नसरुद्दीन जो थे वो रोटी बनाने में प्रवीण थे, या आप कह सकते हैं कि सक्षम थे, ठीक है। आगे दिया हुआ है, कहता है कि कृष्णा सोबती की साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला था। तो इसको जो मिला था वो आप लोगों को बताते चले कि 1980 में मिला था। कब मिला था, 1980 में मिला था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, दिया हुआ है कि पथेर पंचाली फिल्म में बारिश के दृश्य का शूटिंग किस ऋतु में हुआ था। तो पथेर पंचाली फिल्म में बारिश के दृश्य का शूटिंग जो हुआ था वो शरद ऋतु में हुआ था। कब हुआ था, शरद ऋतु में, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया गया है आप लोगों को, यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है कि नाजुक आवाज़ से बोलने वाले बच्चे का क्या नाम था। तो नाजुक आवाज़ से बोलने वाले बच्चे का नाम टिया था, ठीक है, टिया, ठीक है, ऑप्शन घा सही हो जाएगा। आगे दिया हुआ कहता है कि प्लासिट गांव कोलकाता से कितनी मिली दूर पर थी। तो प्लासिट गांव कलकत्ता से कितने मील दूर थी। तो ये जो दूर था वो 70 मील दूर था, 70 मील ऑप्शन का सही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ कि अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ में कुत्ते का क्या नाम था। तो अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ में कुत्ते का जो नाम था वो बताते चले आपको, भूलो था, ठीक है, भूलो, ऑप्शन गा सही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे सेक्शन बी हम लोग देखते हैं। सेक्शन बी में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सेक्शन बी में रहेगा 2 प्रश्न रहेंगे 2 नंबर वाले, ठीक है। तो चलिए, पथेर पंचाली फिल्म बनाने में 2.5 साल क्यों लग गया। तो क्योंकि आर्थिक अभाव के कारण, क्यों लगा था, 2.5 साल क्यों लगा, आर्थिक अभाव, उसमें कि पैसे की कमी के कारण 2.5 साल लग गया था। मियाँ नसरुद्दीन किसके लिए प्रसिद्ध थे। तो अभी आपको बताते चले किससे रिलेटेड क्वेश्चन था कि मियाँ नसरुद्दीन किसके लिए प्रसिद्ध थे। मियाँ नसरुद्दीन 56 किस्म की रोटियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है। आगे दिया हुआ है कि वृद्ध मुंशी ने किसकी ओर ध्यान ना देने के लिए कहा। तो वृद्ध मुंशी ने ओहदे, क्या है, ओहदे की ओर ध्यान, मतलब कि पद जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, पोजीशन, ओहदे की ओर ध्यान देने के लिए नहीं कहा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, सेक्शन सी हम लोग देखेंगे, इस जगह पे सी होगा, ठीक है, सेक्शन सी, जिसमें से 2 प्रश्न रहेंगे 3 नंबर वाले, ठीक है, और सब्जेक्टिव प्रश्न है और शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। वो वेरी शॉर्ट टाइप था, इस शॉर्ट टाइप का प्रश्न है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ, कहता है कि पंडित ओलिपिदीन के पक्ष में फैसला आने पर वकीलों ने खुशी का माहौल क्यों था। तो पंडित ओलिपिदीन के पक्ष में फैसला आने पर वकीलों में खुशी का माहौल इसलिए था क्योंकि वकीलों को पंडित ओलिपिदीन से धन प्राप्त होता था, ठीक है, क्योंकि वो ओलिपिदीन के जब उनके पक्ष में फैसला आया तो वकील खुश हो गए, क्यों, क्योंकि जब उनके जब मुखबिर जब उनकी चमचागिरी करते थे तो उनको क्या है कि पैसा मिलता था, इसीलिए वो धन प्राप्ति होता था, इसीलिए वो खुश हुए, ठीक है। चलिए आगे दिया हुआ कि लेखक मियाँ नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी। तो लेखिका मियाँ नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी, तो लेखिका मियाँ नसरुद्दीन के पास पत्रकार की हैसियत से गई थी, ठीक है, वे उनकी
नानबाई कला के बारे में जानकारी प्राप्त कर उसे प्रकाशित करना चाहती थी। लेखिका चाहती थी कि वह रोटी बनाने के कारीगरी को जाने तथा उसे लोगों को बता सके। मियां नसरुद्दीन 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। वह उनकी कारीगरी का रहस्य भी जानना चाहती थी। उन्हें या उनके व्यक्तित्व, रुचियों, स्वभाव से प्रभावित होकर उन्हें हुनर के बारे में कुछ सवाल पूछने के लिए गई थी। ठीक है, उसने एक मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सांता देख और अपनी उत्सुकता रोक ना सकी और वह दुकान जो है दुकान के पास खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन की थी। और वो जो दुकान था वो खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन का था। ठीक है, इसीलिए पत्र लेखिका जो है उसके पास एक पत्रकार के हैसियत से गई और वो जानना चाहते थे कि आप नानबाई जो ठोक रहे हैं वो किस प्रकार से आप बना रहे हैं। ठीक है, क्या रहस्य, क्या राज है, और आप इस तरह से हमें भी कुछ उसका रहस्य सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये और आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है पथेर पंचाली। ठीक है, पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला, तभी आपको बता दिए कि सत्यजीत राय को प्रारंभ में यह अनुमान नहीं था कि फिल्म की शूटिंग 2.5 साल के लंबे समय में संपन्न हो सकेगी। इतना लंबा समय शूटिंग में इसलिए लगा क्योंकि एक तो आर्थिक तंगी के कारण शूटिंग बीच में रोक देनी पड़ी और जब पैसे दोबारा इकट्ठे हो जाते तो शूटिंग प्रारंभ करते। दूसरी कारण लेखक उस समय एक विज्ञापन कंपनी में काम करता था। जब उसे फुर्सत मिलती तभी शूटिंग का काम हो पाता। तीसरी पॉइंट यह है कि कारण शूटिंग के दौरान आने वाले कठिनाइयां थी। इन सभी के कारण पथेर पंचाल जो फिल्म है, पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल के अंतराल में पूरा हुआ, 2.5 साल तक लगा। ठीक है, तो साथियों ये जो हम लोग प्रश्न देखें, ये सभी प्रश्न आपके जो वीकली टेस्ट है उसमें सम्मिलित होने की आप कह सकते हैं कि अधिक चांसेस है। ठीक है, तो आप ये सभी प्रश्न को अच्छे से देख लीजिए, और अगर आप अच्छे से नहीं देखे, स्किप करके देखें, तो एक बार रोकिए, फिर से रिवर्स कीजिए और शुरू से फिर से देखिए और सभी को अच्छे से क्लियर करके जाइए, क्योंकि कल जो है आप लोगों का जो वीकली टेस्ट होगा उसमें ये प्रश्न, अधिकतर प्रश्न शामिल होने के चांसेस है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को समाप्त करने से पहले चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नए पार्ट लेकर, तब तक आप सर विदा लेते हैं। जय हिंद।